हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग रिमूवल ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि रिमूवल ऑफ टर्म्स का यूज हम लोग कार्डन्स मेथड में करने वाले हैं। तो देखिए, कार्डन्स मेथड में आपको दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टाइप के बारे में बात करने वाले हैं और इस टाइप में आपको कोई रिमूव नहीं करना होगा, यानी किसी भी टर्म्स को आपको रिमूव नहीं करना होगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हम लोग जो कार्डन्स मेथड का जो टाइप वन है, इसके टाइप वन को हम लोग देख लेते हैं। इसका जो टाइप वन है वो किस प्रकार से है, तो देखिए, जो कार्डन्स मेथड होता है वह कुछ इस फॉर्म में रहता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जो कार्डन्स, आप किसी भी इक्वेशन का तभी आप कार्डन्स मेथड से बना सकते हैं जब वह इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ठीक है। जब वह इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में होगा, तो आप कार्डन्स मेथड का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो वो हम लोग टाइप टू में सीखेंगे, टाइप वन में हम लोग ये नहीं सीखेंगे। टाइप टू में आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा जो आपको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद आपको इस फॉर्म में लाना है, यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है। जब तक आप इस फॉर्म में नहीं लाइएगा तो आप कार्डन्स मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 54 इक्वल्स टू जीरो। देखिए इसको आपको इसका रूट फाइंड करना है, आपको कहा जाएगा, ठीक है, इसको इसका जो होगा रूट आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए आप इजिली मेथड से इसका रूट फाइंड कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि यूजिंग कार्डन्स मेथड, आपको कार्डन्स मेथड का यूज करना है और इसका रूट फाइंड करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो यह बहुत ही ईजी प्रोसेस है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं गिवन, गिवन जो हमको गिवन दिया गया है एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 54 इक्वल्स टू जीरो, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब देखिए आपको यहां पर करना क्या है, बहुत इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट कार्डन्स मेथड का ये टाइप वन पढ़ रहे हैं, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो पुट एक्स बराबर आप पुट कर दीजिएगा यू प्लस वी, ठीक है। आप सबसे फर्स्ट पुट कीजिएगा x बराबर u प्लस v और इसको आप बोथ साइड क्यूबिंग कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड, हम लोग बोथ साइड इसको क्यूब कर दे रहे हैं, यानी इधर x क्यूब हो जाएगा, इधर u प्लस v का क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x क्यूब होगा, ये देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यह हो जाएगा ए क्यू प्लस, जैसे ए प्लस बी का जो होल क्यू होता था, यू क्लब यू क्यू प्लस भी क्यू प्लस थ्री यू भी, और ये आ जाएगा यू प्लस भी, यानी हम लोग ए प्लस बी का जो होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर दिए और ये हमको यहां पर मिला है। अब एक काम करते हैं, एक्स क्यू ये जितने सारे टर्म है सबको हम बराबर के इस साइड में ले आते हैं, तो देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस थ्री यू भी हो जाएगा और यू प्लस भी, और ये जो टर्म है ये भी इसको हम लोग एक साथ इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा यू क्यू प्लस भी क्यू इक्वल्स टू जीरो, हम लिख सकते हैं इसको, यानी इस टर्म को और इस टर्म को हम लोग बराबर के इस साइड ले आए। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस थ्री यू भी, और देखिए यू प्लस भी को हमने यहाँ पर यू प्लस भी को हमने यहाँ पर एक्स माना है, यू प्लस भी को हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर यू प्लस भी यहाँ पर एक्स लिखेंगे, माइनस यू क्यू प्लस भी क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, जो हमारा पहला इक्वेशन था उसको हम लोग एक मान लेते हैं इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन को हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन वन और टू में अगर कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, हम लोग इक्वेशन वन और टू में अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमको मिलेगा, देखिए आपको यहां पर मिलेगा, देखिए जैसे ये एक्स वाला टर्म है, ये वाला भी आपका एक्स वाला टर्म है, यानी माइनस थ्री यू भी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 27, ठीक है।
ये एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है, इसलिए माइनस थ्री यू भी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 27। तो लिखते हैं चलिए माइनस थ्री यू भी इक्वल्स टू माइनस 27, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यू भी जो आपका आएगा ये आ जाएगा 9, ठीक है। और अब हम लोग दोनों तरफ यहाँ पर भी क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यू क्यू भी क्यू इक्वल टू 9 का क्यू, और 9 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये आएगा 729, ठीक है। यानी UQ और VQ कितना आया, 729 आया। और एक चीज आप देखिए यहाँ पर ये मेरा ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, बट ये जो है ये कांस्टेंट वाला टर्म है। तो देखिए ये कांस्टेंट वाला है तो ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट वाला है। ये जो 54 है ये भी क्या है, कांस्टेंट वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस यू क्यू प्लस भी क्यू इक्वल टू 54, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यू क्यू प्लस भी क्यू इक्वल्स टू माइनस 54। आप दो यहाँ पर, आपको यहाँ पर दो रिजल्ट मिल चुका है, एक ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है। इस दोनों रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यू क्यू और भी क्यू के फॉर्म का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और वहां पर हम लोग वेरिएबल हम टी ले लेते हैं। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are यू क्यू एंड भी क्यू, ठीक है। तो देखिए अगर यू क्यू और भी क्यू का एक टी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां पर टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी यू क्यू प्लस भी क्यू, तो यू क्यू प्लस भी क्यू टी हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, यू क्यू इंटू भी क्यू, यू क्यू इंटू भी क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो हमने यहाँ पर टी वेरिएबल लेकर यू क्यू और भी क्यू को रूट लेकर एक हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, जो हुआ टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस यू क्यू प्लस भी क्यू, तो हमने यू क्यू प्लस भी क्यू का वैल्यू निकाल लिया है। तो यू क्यू प्लस भी क्यू का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हमने लाया है, दो रिजल्ट लाया है ना, यू क्यू प्लस भी क्यू इक्वल टू आया माइनस 54। तो यहाँ पर माइनस है साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और ये जो टी है ये टी आ जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए प्लस साइन है तो आपको यहाँ पर प्लस साइन देना है, और यू क्यू भी क्यू है तो यू क्यू भी क्यू का जो वैल्यू आया है वो आया है 729, यानी 729। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 729 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए क्या करना है, अब आप इस ये जो चीज आया, ये जो टर्म आया, आप इसका फैक्टर कर दें। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, टी इक्वल्स टू आएगा माइनस 27 और एक आएगा टी इक्वल्स टू माइनस 27, यानी दो आपको यहां से रूट मिलेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर टी का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स का, ठीक है। क्योंकि ये जो रूट आया है ये तो इस इक्वेशन का है, लेकिन आपको जो सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन का रूट लाना है, एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 54 इक्वल्स टू जीरो का आपको रूट लाना है। तो देखिए अब आपको आगे क्या करना है, यानी देखिए जो टी आया मेरा, एक आया है माइनस 27 और दूसरा वाला भी आया माइनस 27, और टी में जो हमारे रूट्स है वो है यू क्यू और भी क्यू। इसमें हमने रूट्स को मान लिया है यू क्यू और भी क्यू, यानी एक रूट हमारा आया है ये यू क्यू है और ये क्या है भी क्यू है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए यू क्यू इक्वल्स टू लिख देंगे माइनस 27, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यू बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से माइनस 3। उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भी क्यू हम लोग जो रूट माना है वो है माइनस 27, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 27। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, तो भी का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से यू का वैल्यू आपको मिला, भी का वैल्यू मिला। अब देखिए आप सबसे
पहले ही लेट कर लिए थे। आपने क्या लेट किया था, यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले पुट क्या किया था, x इक्वल टू यू प्लस वी, यानी आपने x बराबर मान लिया था u प्लस वी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर u प्लस वी, यानी माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस सिक्स, ये आपका आ गया यहाँ तक। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है, अब आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करेंगे ये आपका एक रूट यहां से आ चुका है, अब देखिए ये जो एक्स क्यू माइनस 27 एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू आपका जीरो था, इसका एक रूट आपको मिला है माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसका और रूट होगा, ये जो माइनस सिक्स रूट निकला है ये इसका एक रूट है, इसका और सारा रूट निकलेगा, तो हम लोग उसको साइंथेटिक डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो साइंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करने से पहले आपका जो इक्वेशन है उसको आपको कॉम्प्लीट इक्वेशन में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं एक्स क्यू। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, तो आप उसको लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 27 एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा जीरो, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर साइंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग साइंथेटिक डिवीजन मेथड की यूज कर देते हैं, तो लिखेंगे बाय साइंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड का आप यूज किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये जो रूट आया है आपको यहाँ पर इस रूट को लिख देना है, ठीक है, और आपको कुछ इस प्रकार से करना है। मैंने आपको साइंथेटिक डिवीजन मेथड का जो रूल है उसको भी बताया है, और देखिए इसका कोफिशियंट क्या है, वन है, तो आपको यहाँ पे वन लिखना है, फिर इसका कोफिशियंट जो है आपको यहाँ पर लिखना है, फिर इसका कोफिशियंट को आपको यहाँ पर लिखना है, फिर इसका जो कोफिशियंट है आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ये जो होता है ये वन है, तो यहाँ पर एज इट इज वन बना रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिक्स वन या सिक्स और ये माइनस है तो माइनस सिक्स हो जाएगा, आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो जीरो और माइनस सिक्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस सिक्स, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36, और इसको और इसको अगर इसमें और इसमें अगर हम लोग 36 में अगर 36 और माइनस 27 को अगर जोड़ते हैं तो ये आपका आएगा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको और इसको आपको डिवाइड करना है, यानी 96 कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 96 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन, 54 में 54 गया जीरो, यानी रिमाइंडर आपका क्या बचा, जीरो बच गया, ठीक है। यानी ये जो अब इक्वेशन होगा, जैसे यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन था, ये जो क्यूबिक था तो अब ये तीन पावर में था, यानी डिग्री इसका थ्री था, तो अब ये टू डिग्री में हो जाएगी क्योंकि इसका तो एक खत्म हो गया, इसलिए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखिए ये जैसे आपका एक्स क्यू में था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपको मिल जाएगा वन, और एक्स का जो कोफिशियंट है वह है हमारा माइनस सिक्स, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म हमारा है नाइन, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर इसको अगर हम लोग इक्वेशन अगर वी गॉट द इक्वेशन इज, हमको जो इक्वेशन मिलेगा वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, उस तरह माइनस सिक्स इंटू एक्स, तो ये माइनस सिक्स एक्स मिलेगा और ये प्लस नाइन है, ये तो प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ये हम हमारा इक्वेशन मिल गया। और जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको जो रूट मिलेगा, हमारा जो रूट आएगा, पहले इसको अगर फैक्टर करेंगे तो आएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, यानी जो हमारा रूट आएगा एक्स बराबर आ जाएगा थ्री और थ्री। तो देखिए अगर आप देखना चाहें तो पहले आपको एक रूट मिल चुका है, जो आपका एक रूट आया है माइनस सिक्स, और यहाँ पर दो रूट आया है आपका थ्री थ्री। मैंने आपको बताया था कि जितना डिग्री का होगा उसका उतना ही रूट होता है, तो ये जो इक्वेशन था ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन तीन डिग्री का था, इसीलिए इसका तीन रूट, एक रूट यहाँ पर है और ये दो रूट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो रूट्स आया है, देयरफॉर रूट्स आर आपको क्या क्या रूट्स मिला, एक माइनस सिक्स मिला, एक थ्री मिला और एक थ्री मिला, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।